आखिर क्यों डरते हैं लोग इस शिवलिंग से? यूं तो भगवान शंकर के कई नाम हैं, लेकिन सभी भक्त उन्हें भोले बाबा कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वह इतने भोले हैं कि कोई उनके सच्चे मन से भक्ति करे तो उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। इनकी पूजा किसी भी रूप में की जा सकती है, क्योंकि माना जाता है ना तो शिव का कोई आदि है ना कोई अंत। लोग मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करते हैं, उस पर दूध और जल और अन्य चीजें अर्पित करते हैं और अपनी मनचाही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन भारत के उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर स्थित शिवलिंग की ना कोई पूजा करता है ना ही उस पर कोई जल चढ़ाता है। लोग इस मंदिर में पूजा करने से डरते हैं। ये शिवलिंग उत्तराखंड के हतिया नौला नामक स्थान पर बना हुआ है। इस शिवलिंग को लेकर यहाँ के लोगों की एक कथा बहुत प्रचलित है। इस गांव में कई सालों पहले एक मूर्तिकार रहता था। उस मूर्तिकार का एक हाथ हादसे में कट गया था। गाँव वाले उसका मजाक उड़ाते थे कि अब वह एक हाथ से मूर्ति कैसे बनाएगा। लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गया था। एक दिन वह रात में छेनी और हथौड़े लेकर गाँव की दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उस मूर्तिकार ने रात भर में एक बड़ी सी चट्टान को काटकर एक मंदिर और उसके अंदर एक शिवलिंग का निर्माण किया। सुबह गांव के लोगों ने जब यह देखा तो हैरान रह गए। फिर उस मूर्तिकार को बहुत ढूंढा गया, पर वह कहीं नहीं मिला। गांव वाले समझ गए कि यह काम उसी मूर्तिकार का है जिसका वह मजाक उड़ाते थे। पंडितों ने जब उस मंदिर का निरीक्षण किया तो पता चला कि शिवलिंग का मुख्य गलत दिशा में है और इसकी पूजा करने से कोई अनहोनी हो सकती है। गाँव वालों ने अनहोनी होने के कारण शिवलिंग की पूजा नहीं की और यह शिवलिंग अब भी भक्तों के लिए तरस रही है। और ये माना गया कि उस मूर्तिकार से जल्दबाजी में ये गलती हो गई थी, किंतु मंदिर के पास एक सरोवर स्थित है जिसको पवित्र माना जाता है और यहाँ पर मुंडन कराए जाते हैं। ये थी SM News रिपोर्ट।